पहला बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों कैसे हैं आप? सर अच्छे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड सिम्टम्स, है ना? यस सर। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? लॉस ऑफ विजन। वेरी गुड, लॉस ऑफ विजन। तो कोई बताएगा व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उसके? Anybody from you, please? Poor vision, in darkness, night, sometimes complete loss of vision. Very good. Poor vision होता है और darkness में कुछ दिखाई नहीं देता और sometimes loss of complete loss of vision. ठीक है? तो next is vitamin B1. तो vitamin B1 से कौन सी बीमारी होती है? Beriberi. Very good. The deficiency of vitamin B causes beriberi. And what are the symptoms? कोई सिम्टम्स बता देगा एक बच्चा? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। वेरी गुड, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। शाबाश, तो सारे कोशिश करेंगे बताने की। ठीक है, तो नेक्स्ट इज विटामिन सी। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। वेरी गुड, तो स्कर्वी के सिम्टम्स कोई बता सकता है? गम्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, क्या होता है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। वेरी गुड, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड बम्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। शाबाश। तो नेक्स्ट इज व्हाट? विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रैकेट्स। शाबाश। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? कोई सिम्टम्स बता सकते हैं? बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। वेरी गुड, वो पीछे वाली बच्ची सुना रही है, फर्स्ट लाइन वाले भी बोलेंगे। ठीक है, समझ आए? तो जो हमारी कैल्शियम है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। क्या क्या होता है? कैल्शियम इज मिनरल, टूथ एंड टूथ डिके होता है और बोन becomes bent। ठीक है, समझ आए? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज हम खाएंगे तो हमें जो विटामिन ए की कमी पूरी होती है, विटामिन बी की कमी पूरी होती है, विटामिन सी की, कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन। ठीक है, एनीबॉडी कोई बता सकता है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर हमारे नमक में आयोडीन नहीं होगा तो हमें क्या होता है? वेरी गुड, तो उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर। क्या होता है? तो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है बच्चों में, है ना? समझ आए? घबराना नहीं है, बोलना है विदाउट एनी टेंशन। तो फिर आज हमने जो ये अपना सीखना है, तो ये सीखना है कि विटामिन ए जो है उसकी सोर्सेस क्या क्या है, वो हमें कहां कहां से मिलती है, विटामिन बी कहां से मिलती है, सी डी कैल्शियम आयरन एंड आयोडीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी विटामिन ए जो है, इसका सोर्स ऑफ विटामिन ए इज येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। जितनी भी येलो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, एग योक मिल्क एंड बटर। ठीक है, एग योक क्या होता है? अंडा खाया आप लोगों ने? यस सर। उसके अंदर से जो पीला पीला होता है, ठीक है, उसके अंदर विटामिन ए होती है, दूध के अंदर होती है, हमारा मक्खन के अंदर होती है और घी के अंदर होती है। सारे लोग खाते हैं ना घी? यस सर। मक्खन भी खाते हो? यस सर। यस, आपने इसको खाना है और ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स खानी है, तो उससे हमें विटामिन ए की कमी से छुटकारा मिलता है और हमारी जो विजन है, जो नजर है, वो क्या होता है? ठीक रहती है। ठीक है, फिर है हमारी विटामिन B1। तो विटामिन B1 का सोर्स क्या है? द विटामिन B1, द सोर्स ऑफ विटामिन B1 इज यीस्ट, व्हीट, पीनट्स, बीन्स, लीवर, पल्सेस एंड मीट। ठीक है, समझ आए? जो हमारा गंदम है, मूंगफली है, बीन्स है और लीवर है। ठीक है, कभी आप में से मीट कौन कौन खाता है? तो जब हम क्या करते हैं, मीट खाते हैं, तो वो कोई बकरा वकरा जब काटते हैं, हलाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका लीवर निकालते हैं, अंदर से निकालते हैं ना, फिर उसको क्या करते हैं, आग में भूनते हैं, है ना, फिर उसके पीस करके खाते हैं, खाते हैं ना। हाँ, तो उसके
इसके अंदर जो है विटामिन बी वन होती है, पल्सिस है हमारी दालें हैं और मीट है, इसके अंदर होती है विटामिन बी वन। फिर है हमारी विटामिन सी, द सोर्स ऑफ विटामिन सी इज सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो एंड लीफी वेजिटेबल, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी होती है। हमारे टमाटर हैं और जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जी, तो उनके अंदर होती है विटामिन सी। फिर हमारी आ गई विटामिन डी, तो विटामिन डी किसमें होती है, फिश लिवर ऑयल, एग या मिल्क लिवर। तो जो फिश का लीवर होता है उसका तेल जो होता है उसके अंदर विटामिन डी होती है, एग योक के अंदर होती है, ठीक है। जो अंडे का जो अंदर अंडे के अंदर जो पीला हिस्सा होता है ना, दैट इज कॉल्ड एग योक, और मिल्क दूध लीवर। और विटामिन डी जो है ये हमें धूप से भी मिलती है, ठीक है। मैक्सिमम विटामिन जो है वो धूप से मिलती है। इट इज फॉर्म्ड इन द स्किन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स ऑफ द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो जब हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है, चमड़ी के ऊपर पड़ती हैं, तो वहां जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे भी जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होती है, ठीक है, समझाए। सनलाइट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो धूप में भी आपको बैठना चाहिए, धूप सेकनी चाहिए। तो इसके बाद हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम इज मिनरल, कैल्शियम हमें कहां से मिलती है, कैल्शियम इज अवेलेबल इन मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, कैरेट्स एंड स्मॉल फिशेस। तो ये हमें मिलती है दूध में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है, गाजर हो गई और छोटी जो मछलियां होती है उनमें। फिर हमारा आ गया आयरन, द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज लीवर, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्रिकॉट्स, रिजन्स, पल्सेस, ठीक है। तो ये जो है मोलेसेस, तो लोहा जो हमें है, जो आयरन हमारे जिस्म में होता है, ये हमें मिलता है लीवर से, अंडों से। मोलेसेस होता है गुड़, खांड, ठीक है, जो गन्ने से बनती चीजें हैं उनको हम मोलेसेस बोलते हैं। ओटमील, ओटमील होता है दलिया, दलिया खाया आप लोगों ने, आंगनवाड़ी में गए हो, हाँ, तो दलिया में होता है आयरन, ठीक है। एप्रिकॉट्स, खुबानी होती है, किशमिश होता है, रीजन्स, सौगी आई है, सौगी में जो होता है वो आयरन होता है, दालों में होता है और पत्तेदार सब्जियों में होता है। फिर है हमारा आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर, ठीक है, मसल इन द नेक स्वेलन है ना, सोच जाते हैं, तो वो उसका सोर्स क्या है, द सोर्स ऑफ आयोडीन इज ड्रिंकिंग वाटर, इट ऑकर्स इन ओनियन एंड मैरिन फिश आल्सो। तो आयोडीन जो है वो हमारा पीने वाले पानी में पाया जाता है, और जो है प्याज में भी होता है, और मैरिन फिश जो है समुद्र की मछलियां होती है, और इसके अलावा जो साल्ट खाते हैं, नमक, ठीक है, उसमें भी आयोडीन होता है। अब आप लोगों को समझ आ गई, yes, sir। हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो अगर हमने उस डेफिशिएंसी, उस चीज से बचना है, तो हमको क्या करना है, इस किस्म की खुराक खानी है जो अभी तक हमने पढ़ी, समझ आए, yes, sir। हाँ, आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खानी है, फ्रूट्स भी खाने हैं, लीवर खाना है, बीन्स खाने हैं, पल्सेस खाने हैं, समझ आए, धूप सेकनी है, ठीक है, yes। तो फिर आप क्या है, हटे कटे मोटे ताजे और तगड़े हो जाओगे, है ना, तो आपको कोई भी बीमारी जो है वो नहीं लगेगी, समझ आए, yes। तो इसको आपने क्या करना है, ये लर्न करना है, ठीक है, yes, समझ आए।